नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के। इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता का फर्स्ट क्वेश्चन, टीम अध्यापक में क्षमता है। ए, प्रतियोगिता की भावना के विकास की। बी, सहयोग विकास की। और सी, एक दूसरे की अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। और डी, एक दूसरे के अध्यापन हेतु अंतराल को रेखांकित करने की। तो इसका उत्तर है बी। कैसे है? टीम अध्यापक में सहयोग विकास की क्षमता होती है। इस अध्ययन में छात्र तथा अध्यापक दोनों का अधिक से अधिक लाभ होता है। इससे छात्रों को सीखने में अधिक रुचि लेता है, जो स्टूडेंट होता है वह अधिक रुचि लेता है सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ए, छात्र गंभीर रहते हैं। बी, इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है। सी, यह छात्रों की परीक्षा संबंधित चिंता को कम करती है। और डी, यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो इसका आंसर है डी। खुली किताब परीक्षा दे छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। इसमें छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अध्यापक वह है। ए, जो कक्षा में नियंत्रण रखता है। बी, समय कम समय में अधिक सूचना दे सकता है। सी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। और डी, आवंटित कार्य असाइनमेंट का अध्ययन पूर्वक संशोधन करता है। तो इसका उत्तर है सी। प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अध्यापकों के कक्षा में छात्र अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं एवं उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं ऐसी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहन करती है? कौन सी विधि है अध्ययन की जो ज्ञान को प्रोत्साहन करती है? तो ए, समस्या समाधान। बी, विधि प्रयोगशाला विधि। और सी, स्वाध्ययन विधि। और डी, टीम अध्यापन विधि। तो इसका आंसर ए, उत्तर ए है। समस्या समाधान विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहन करती है। मानव जीवन के अनेक समस्याओं से आती है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसे तनाव संघर्ष चलता है, निराशा जैसी प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें तर्क व निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किस में है? ए, श्यामपट्ट लेखन। बी, प्रश्न करना। और सी, समझाना। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अध्यापन कौशल वे प्रयत्न हैं जो कि अध्ययन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अध्यापन को एक विज्ञान भी माना जाता है। जो अध्यापन होता है उसको एक विज्ञान भी माना जाता है। और कला भी, कला के रूप में यह अवधारणा प्रस्तुत की जाती है कि शिक्षण जन्मजात होते हैं तथा उन्हें विशिष्ट अध्यापन गुण उपस्थित रहते हैं, उनमें विशिष्ट प्रकार के गुण रहते हैं। परिभाषा है गेज के अनुसार, अध्यापन कौन सी भी एक विशेषता अनुदेशन प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित व्यक्तियों में कौन से सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए, शिक्षण अध्यापन कर सकते हैं। बी, शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। सी, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्यवधान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। और डी, शिक्षण पैदा होते हैं। तो इसका आंसर है बी। कैसे है?
शिक्षक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न करते हैं। जो एक टीचर होता है वह विद्यार्थी को अभिप्रेरणा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा को उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सही है? ए पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग, बी पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है, और सी पाठ्यक्रम उन सभी शिक्षण संस्थानों का जो किसी विश्वविद्यालय से संबंधित है एक समान होता है, और डी पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ए। कैसे है? पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों कैसे हो एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं स्वरूप में प्रस्तुत पाठ्यक्रम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, और बी वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, और सी विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, डी विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है बी, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध वह व्यक्ति कर सकता है? ए जिसमें शोध विधि पढ़ी हो, जिस व्यक्ति ने शोध विधि पढ़ी हो, और बी जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो यानी कि एमए या एमएससी की उपाधि हो, और सी जिसमें सोचने और तर्क करने की क्षमता हो, दोनों चीज़ें एक व्यक्ति में विद्वान होनी चाहिए, और डी जो पश्चिमी हो मतलब परिश्रम करता हो। तो इसका आंसर है सी, शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने की और उत्तर देने की क्षमता दोनों मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, बी शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, और सी विचलन समस्या का स्रोत है, डी उपयुक्त सभी। तो उसका आंसर है सी, विचलन समस्या का स्रोत नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शोध विधि नहीं है? कौन सी शोध विधि नहीं है? ए अवलोकन, बी ऐतिहासिक, और सी सर्वेक्षण, और डी दार्शनिक निदर्शन। तो इसका आंसर है ए, अवलोकन शोध विधि नहीं है, क्योंकि अवलोकन को ऑब्जर्व किया जाता है। ये विधि हो सकती है सर्वेक्षण विधि है और न्यायदर्श विधि है, ये तीनों विधि हैं, लेकिन अवलोकन विधि नहीं है शोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का प्रथम सोपान क्या है, प्रथम चरण क्या है? ए समस्या का चयन, बी समस्या को ढूंढना, और सी समस्या का पता लगाना, और डी समस्या की पहचान। तो इसका आंसर है ए, शोध का प्रथम सोपान समस्या का चयन होता है, क्योंकि शोध एक प्रक्रिया है। सबसे पहले शोध समस्या का चयन ही, किसी टॉपिक पर जो रिसर्च करते हैं तो समस्या का चयन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वही प्रथम सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण कौन है? अनावश्यक कारण कौन है? ए छात्रों को दंड देना, बी कक्षा में अनुशासन रखना, सी प्रभावशील ढंग से ध्यान देना, और डी ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो इसका आंसर है ए, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण छात्रों को दंड देना है, क्योंकि इससे बेवजह कक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? जो मूल्यांकन कित होता है वह शिक्षा को क्या बनाती है? ए अच्छा नागरिक, बी सफल व्यापारी, और डी लोकप्रिय अध्यापक, और डी कुशल प्रबंधन। तो उसका आंसर है ए, अच्छा नागरिक। मूल्यांकन शिक्षा छात्र को अच्छा नागरिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से शिक्षण की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ए आंतरिक विकास करना, बी आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी
के जाल में फंसने से बचा जा सकता है, और सी प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंधन करना, और डी निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंधन करना। तो इसका आंसर है डी। अधिगम में शिक्षण की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह छात्रों को सीखने में उनका निदान एवं उपचारात्मक सहायता प्रदान करे। एक टीचर को छात्र के प्रति सीखने के लिए उपचारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए। महर्षि अरविंद ने परिभाषा इनकी कि शिक्षक के संबंध में कहा था कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं, वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है ए वैयक्तिक समायोजन, बी व्यवहार का रूपांतरण, और सी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, और डी अपनी रोजगार के लिए तैयार करना, अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर है बी। अधिगम की परिभाषा है, बूर्थबंड के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। किन्सर के अनुसार सीखना व्यवहार में समायोजन की प्रक्रिया है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके नेचर में, व्यवहार में, बोलने के तरीके है, उसमें भी परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन बाहर एवं आंतरिक दोनों प्रकार से होता है, मतलब व्यक्ति के बाहर भी परिवर्तन और आंतरिक भी परिवर्तन, दोनों प्रकार से परिवर्तन होता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं ए उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, और बी कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, सी उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी विज्ञान के बीच में बाधा न डालने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर है ए। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं उनके लिए अध्यापकों को यह चाहिए वह छात्रों के प्रश्नों का सही सही उत्तर दें और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब कि अधिक से अधिक एक छात्र टीचर से क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है, अध्यापन की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन सा कारण है अध्यापन की। तो ए अंतर्वैयक्तिक संबंध, बी विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, सी भाषिक दक्षता, और डी भाषा के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो इसका आंसर है बी। अध्यापन की असफलता का मुख्य कारण जिसको उसके विषय पर पर्याप्त नियंत्रण न होता है, विषय का पूर्व ज्ञान न हो पाने पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। जब एक टीचर के पास उसका विषय संबंधित अच्छा ज्ञान ना हो तो वह उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि वो शिक्षण सुचारू रूप से नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण की सफलता का निर्भर क्या निर्भर करती है, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है ए अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरे की सेवा, बी उसका व्यवसाय प्रशिक्षण और सृजनात्मक, सी उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रित और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन करने की भावना, डी उसका विषय पर अधिकतम अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो आंसर है सी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सफलता उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्र और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन करने की भावना पर निर्भर करता है। 12 जनवरी 18 अप्रैल को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 12 जनवरी को ये सॉरी गलत हो गया ये प्रेरणा स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शिक्षण का तात्पर्य है विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, बी विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, और सी गुणों का विकास करना, डी व्यक्तित्व का बहु
आयामी विकास? तो इसका आंसर है डी। मूल शिक्षण का तात्पर्य व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तभी वह हम राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री का सही मूल्यांकन किस आधार पर नहीं होना चाहिए? ए भाषाई अभिव्यक्ति, बी तार्किक प्रस्तुति उसकी जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, और डी विषय का परिज्ञान। तो आंसर है सी। आप कितना भी लिखित सामग्री का अध्ययन कर लें जब तक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते तब लिखित सामग्री का सही मूल्य का नहीं होता। जब आप मतलब कुछ भी लिख लो, कितना भी लिख लो, जब तक आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते किसी के सामने तो वो बेकार है, कुछ मतलब का नहीं है। अतः लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। एक स्टूडेंट में ये बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। जो पढ़ा हमने लिखा है जो उसको हम एक्सप्लेन कर सकें किसी के सामने। नेक्स्ट है शिक्षण, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? जो शिक्षक होते हैं और शिक्षण सामग्री का ही उपयोग क्यों करते हैं? ए शिक्षण मनोरंजन बनाता है, बी विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, और सी विद्यार्थियों के अध्ययनकरण के लिए, और डी विद्यार्थी को सतर्क करने के लिए। तो इसका आंसर है बी। अध्यापन के दौरान शिक्षक द्वारा जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जब एक टीचर पढ़ाता है तो वह जिस सामग्री का उपयोग करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है के द्वारा समझाता है। इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाता है, अच्छी तरीके से वह समझा सकता है तथा विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट है अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। ए सीखने की प्रक्रिया, बी शोधकार, सी वंशानुगतता का, और डी व्याख्या का। आंसर इसका ए सीखने की प्रक्रिया। सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम होता है जो एक प्रक्रिया है, लर्निंग है किसी चीज़ को करने की। मनुष्य जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से ही वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखना किसी प्रक्रिया सक्रिय प्रतिक्रिया है। और नेक्स्ट है अध्यापन का प्रारंभिक कार्य। ए विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, और बी विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायक पहुंचाना, और डी विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो इसका आंसर है सी। अध्यापन का प्रारंभिक कार्य है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। नेक्स्ट है अध्यापन के समन्वयक का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ए बालकों का, बी प्रिंसिपल का, सी स्वयं अध्यापक का, और डी समुदाय का। तो उसका आंसर है सी स्वयं अध्यापक का। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक टीचर ही है जो अपने शिक्षण को एक अच्छे तरीके से बना पढ़ा सकता है प्रभावशाली तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल अध्यापक हुए हैं जो ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हों, बी शांति और प्रतिक्रियाशील हों, सी सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो इसका आंसर है ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हों। एक सवाल अध्यापक हुआ है जो संवेदनशील एवं अनुशासन प्रिय हो, अर्थात छात्रों की गतिविधियों के बारे में ध्यान केंद्रित करे और अनुशासन बनाए रखे। जो टीचर होता है वह पढ़ाने के साथ साथ
छात्रों की गतिविधियों, मतलब कौन कौन सी स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं कक्षा में, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है एक टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं प्रदर्शित, जो मतलब अधिगम लोग अधिकतर छात्र ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो छात्र की ए है प्रभावशील प्रतिभाशील है, बी धनी परिवार के हैं, डी बनावटी व्यवहार करते हैं, और डी है कक्षा में उद्दंड पैदा करना चाहते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं। तो इसका आंसर है ए, प्रभावी प्रतिभाशील हैं। प्रतिभाशील छात्र कक्षा में बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करता है, अधिक सवाल पूछता है टीचर से। जिस छात्र में जितना अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रवृत्ति का होगा, एक छात्र जितना अधिक सवाल पूछेगा टीचर से, वह छात्र उतना ही अपने जीवन का विकास करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है, मैं छात्र ने क्रियाएं एवं गुप्त क्रियाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए विषय का गुण ज्ञान, बी अच्छी संप्रेषण क्षमता, और सी छात्र कल्याण की चिंता, और डी प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसका आंसर है एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अच्छी संप्रेषण क्षमता होती है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को जो चाहे करने दे, बी छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, सी छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे, कुछ समस्याएं होती हैं वह छात्रों को हल करने के लिए दे, डी उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। तो इसका आंसर है डी, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके नरमी के साथ दृढ़ता से बढ़ते, मतलब अच्छी तरीके से पेश आए, क्योंकि ऐसा न करने से छात्र अनुशासनहीन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र अनुशासनहीन हो जाएगा, पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो ए रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, बी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सी सभी छात्रों को दिखाई देती हो, डी बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो इसका आंसर है बी, शिक्षण सहायक सामग्री चाहे वह प्रेक्षीय हो या अपेक्षीय हो, वह प्रभावी तभी मानी जाएगी जब वह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हो। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप में विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ए बार बार मूल्यों की बात करें, बी स्वयं उन पर आचरण करें, सी महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, डी देवी देवताओं की बात करें। तो इसका आंसर है बी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब अध्यापक स्वयं उस पर आचरण करे, जब एक टीचर स्वयं किसी चीज़ पर आचरण करेगा तभी स्टूडेंट उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्विशिष्ट करना है, ए नैतिक मूल्यों का, बी सामाजिक मूल्यों का, सी राजनीतिक मूल्यों का, डी आर्थिक मूल्यों का। इसका आंसर है ए नैतिक मूल्यों का। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का अंतर्विशिष्ट करना है ताकि उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास करे और देश के लिए मनमानी मानवता के लिए कार्य देश के लिए और मानवता के लिए एक व्यक्ति कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है ए जानकारी प्रदान करना, बी छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, सी अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, डी चर्चा प्रारंभ करने की पहले पहल करना और भाग लेना, जो चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और भाग लेना उसमें। तो उसका आंसर है डी, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में परस्पर संवाद को क्या उभर कर आता है? जब परस्पर एक दूसरे टीचर और छात्र भी जब संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो क्या उभर कर आता है? ए तर्क वितर्क, बी सूचना, डी विचार और सी विचार, डी विवाद। तो इसका आंसर है विचार। कक्षा में परस्पर संवाद से विचार आता है, आना चाहिए। यह किसी समस्या का समाधान किया जाता है, जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। डिबेट होता है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशाला होती है किसी विषय पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन, बी किसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठक है, सी किसी कॉलेज विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थियों किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और डी एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल तकनीकी के विकास पर बल दिया गया हो। तो इसका आंसर है डी। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है। समूह के सदस्य अपने ज्ञान व अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अध्यापक की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? जो वर्तमान में अध्यापक की प्रभावी विधि कौन सी है? ए स्वच्छता अध्ययन, बी आमने सामने अध्ययन, और सी ई लर्निंग, और डी मिश्रित अध्ययन। तो इसका आंसर है मिश्रित। मिश्रित में सभी चीज़ें आ जाती हैं। वर्तमान में अध्यापन की सर्वाधिक प्रभावी विधि मिश्रित अध्ययन है। इसके तहत डिजिटल एवं ऑनलाइन मीडिया के तहत शिक्षण कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए शिक्षण का संतोष, बी शिक्षण की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, सी शिक्षण का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, और डी व्यवसायिक सिस्टम के प्रति शिक्षक की रुचि। तो इसका आंसर है सी, शिक्षक को छात्रों का पढ़ाना और समझाना। पढ़ाता भी है टीचर और समझाता भी है। प्रभावी शिक्षण वह तकनीक है जिसमें ज्ञान का अभाव सतत बिना किसी अवरोध के बिना रहे और छात्र आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ए विद्यार्थियों अध्यापक से प्रश्न पूछता है, बी विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो, और सी कक्षा में पूर्ण शांति हो, डी विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स बना रहे हों। तो इसका आंसर है ए, विद्यार्थी अध्यापन से प्रश्न पूछते हैं। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो उसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? ए अध्यापन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन डेटा, जो प्राथमिक और द्वितीय डेटा होता है उसके लिए, और बी वर्तमान साहित्य की समीक्षा, सी प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, और डी प्रारूप की पुनर्परीक्षा, जो प्रारूप होता है उसका पुनरीक्षण करना। नीचे दिए गए फोटो से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूटलेखन का प्रश्न है, ए 1 2 4, बी 2 3 4, और सी 1 2 4 3 4, और डी 1 2 3। उत्तर इसका सी, ये है सी आंसर है इसका। किस प्रकार हुआ? गुड़ और हार्ट के अनुसार 1952 के में कहा था इन्होंने कि समान रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की प्रणाली से है, जिसमें एक प्रपत्र प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ए विद्यार्थियों की
कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। बी शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने की संदेश देना। और सी शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। और डी शिक्षा के गुणों में और अधिक सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी और बी है, ए बी सी, सी में ए है और डी में ए बी है, तो इसका आंसर है बी। बी में आएगा आपका ए आ जाएगा इधर, और बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ये दोनों विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, ये टीचर का कार्य होता है। और शिक्षक के शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने के लिए संदेश देना, ये भी सत्य है। और शिक्षण की नवीन विधियों अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, ये भी सत्य है। इसमें शिक्षण के गुणों और अधिक सुझाव देने के क्षेत्र में पहचान करनी, ये नहीं है इसमें, तो इसका बी आंसर क्या है। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है मूल्यांकन करना। यह पढ़ने में शिक्षकों को पता सीखने विद्यार्थियों की मदद करता है, पढ़ने में विद्यार्थियों की मदद करता है यह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षण प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका। ए शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा। और बी मूल्यों पर व्याख्यान। सी मूल्यों पर संगोष्ठी। और डी मूल्यों पर विचार शस्त्र। तो इसका आंसर है डी, मूल्यों पर विचार शस्त्र, विचार विमर्श करना। मूल शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तित्व को बहुआयामी विकास है, जिसमें छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से विधान से पूरा किया जा सकता है। इसका ए है समाज में व्याप्त संस्कृतियों प्रथाओं से। बी किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण से। सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। और डी धर्म तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसका आंसर है सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से मूल शिक्षा का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, बहुत सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। ए प्रश्न पूछना। बी विद्यार्थियों के विचारों एवं उनका अनुपयोग। सी संरचना। और डी अनुदेशात्मक विविधता। तो उसका आंसर है डी, अनुदेशात्मक विविधता। शिक्षण एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, ताकि अधिगमकर्ता एक विशेष प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। अनुदेशात्मक विधियां का प्रयोग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्प शिक्षण की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जाता है। कूटलेखन से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक विषय के संबंध में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। और बी अधिगमकर्ता परिवार के मित्रों का अंतर्व्यक्तित्व करना। और सी तीसरा है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। चौथा विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। पांचवा निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। छठवा विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिकरण अभिमुखीकरण। तो कूटलेखन में ए में है एक दो तीन चार चार वागे इसमें। और बी में है एक है तीन है और चार है और छः है, इसमें पांच नहीं है बी में, ठीक है। और सी में एक आ गया आपका और तीन आ गया और चार आ गया, पांच आ गया, इसमें दो और छः नहीं है, इसमें दो और छः नहीं है। और डी में तीन है चार है पांच है छः है, इसमें एक दो नहीं है डी में, ठीक है। चलिए देखते हैं,
इसका आंसर है बी। इसका आंसर आपका आएगा ये है 1, 3, 5 और 6। देख लीजिएगा सही से, 1, 3, 5 और 6। ये आपका एक आ गया, इधर एक हो गया, इधर 3 हो गया और 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, इसमें 2 और 5 नहीं है। अब इसका उत्तर देख देते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षार्थियों विशेषताओं में पाई जाती है। ए, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। बी, विशेषताएं इसकी कुछ। दूसरी विशेषता है विषय से संबंध अधिगमकर्ताओं का की योग्यता। और तीसरी विशेषता है विद्यार्थियों की भाषाई पृष्ठभूमि। चौथी विशेषता है विद्यार्थियों तथा अध्यापक के बीच संबंध। पांचवी विशेषता निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। और छठवां विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। ये इसकी 6 विशेषताएं हैं शिक्षा अधिगम की। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं नेट परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता में औचित्य का आधार। ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करना। बी, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। और सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को स्पष्ट करना, जो अधिगम के परिणाम होते हैं उसको एक टीचर स्पष्ट करता है। और डी, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। अधिगम में लर्निंग में प्रभावी ढंग से एक टीचर को विद्यार्थियों को लगाना होता है। तो इसका आंसर है सी, ये आपका आंसर है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को स्पष्ट करना। देख लेते हैं इसकी स्पष्ट करना है, सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आ गया, ये साथ कूटलेखन का है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करती है। एक, शिक्षण विक्रम के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। शिक्षण होता है और विक्रम के समान है और अधिगम खरीदारी के समान है। और दूसरे में क्या है शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। जो शिक्षण होता है वह सामाजिक कृत होता है और अधिगम व्यक्तिगत कृत होता है। और तीसरे में क्या है शिक्षण में अधिगम निहित है। जो शिक्षण होता है क्या उसमें अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। शिक्षण होता है अधिगम होता है वह शिक्षण को समाहित नहीं करता है। और चौथा शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम से प्राप्त करने जैसा है। पांचवा शिक्षण एक अंतिम प्रक्रिया है और प्रकृति को त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। आप पुटलेखन देखते हैं क्या कहता है। ए में क्या आता है 1, 2 और 4, 1, 2, 4। बी में 1, 4 और 5, 1, 4 और 5। ठीक है, और सी में आ गया आपका 2, 3 और 5, यानी कि 2, 3, 5। और डी में 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3। उत्तर आपके ये सी है। इधर देख लेते हैं सी में क्या है। ये सी में आ गया आपका 1, 2, 3 और 5। ठीक है, सी में 2, 3 और 5 है, 2, 3, 5 है और 1, 2, 2, 3, 5 आ गया। सी में पढ़ते हैं शिक्षा और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्यों का सर्वोत्तम रूप निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन से रूप हैं इसके। पहला, शिक्षा सामाजिक कृत जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। शिक्षा जो है वो सामाजिक कृत है और अधिगम व्यक्तिगत कृत है। और दूसरा, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। और तीन, शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है। ये इसके देख लीजिएगा आंसर। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्न है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। ए, परिवार खादक जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। बी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। और सी, अधिगमकर्ता को के अभिभावकों को अभिभावकों का
शिक्षक प्रस्तर और डी अधिगमकर्ता के साथी समूह है, जो साथी होते हैं उसके समूह। तो उसका आंसर है बी अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव से अत्यंत रूप से संबंधित है, क्योंकि यदि अधिगमकर्ता को चयनित पाठ विषय वस्तु के बारे में कुछ पूर्व जानकारी हो तो हुआ है युक्त पाठ विषयों को जल्दी है आसानी पूर्वक सीख जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर पहले से ही उस विषय के बारे में पता हो तो वह जल्दी से जल्दी अपना कार्य कर सकता है, मतलब सीख सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन है इसमें, ए समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, तर्क और समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं, इसको पॉज करके थोड़ा रोक लेते हैं। ए में क्या है, गलत है लेकिन आर सही है। बी में बताया गया है ए एवं ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। सी में क्या है, ए एवं आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसमें सही व्याख्या नहीं है। और डी में ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आंसर है आपका विकथन में डी। ये समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, सत्य है। जबकि दिया गया तर्क आर में क्या है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, असत्य है, क्योंकि अधिगम अनुभव द्वारा औपचारिक तरीके से भी प्रभावित प्राप्त होता है, औपचारिक तरीके से भी अधिगम को प्राप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ गया, डिस्लेक्सिया संबंधित है ए मानसिक विकृति से, बी व्यवहार संबंधी विकृति से, और सी पठन विकृति से, और डी लेखन विकृति से प्रकृति से। आंसर आपका डी पठन। डिस्लेक्सिया का संबंध पठन विकृति से है, इससे पीड़ित छात्र को सामान्य और वृद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है। पीड़ित छात्र को इसे समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, ए व्याख्यान, और बी विचार विमर्श, और सी निरूपण, और डी वर्णन। तो इसका आंसर है सी निरूपण। शिक्षा का सर्वोत्तम ढंग निरूपण है, इस माध्यम से छात्रों को वास्तविक वस्तुओं और चित्रों अथवा प्रयोगों के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें निरूपण में छात्रों को वास्तविकता की जानकारी के लिए हमें चित्र अथवा किसी चित्र का प्रयोग करते हैं माध्यम से, हमें स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाता है एक टीचर चित्र के द्वारा, जैसे अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए छात्र को। नेक्स्ट आपका है, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुणों को सबसे अधिक पसंद करते हैं, एक जो स्टूडेंट होता है वह अपने टीचर में किस तरीके का गुण पसंद करता है, कौन सा गुण उसको पसंद है। तो पहला है ए में आदर्शवादी दर्शन, बी करुणा, और सी अनुशासन, और डी मनोरंजन। आप बताइए आप अपने टीचर में किस प्रकार का गुण सबसे अधिक पसंद करते हैं, कमेंट में बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। तो इसका आंसर है आदर्शवादी दर्शन। विद्यार्थी अध्यापक से आदर्शवादी दर्शन को सबसे अधिक पसंद करते हैं। अध्यापक को एक आदर्श चरित्र का होना आवश्यक है। तो आई होप ये आपको 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे विद सॉल्यूशन के, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के ही पूरे वो थे क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन सहित लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।